मोती, अम्मी जान से मिलने गई थी ना, कैसा स्वास्थ्य है उनका? उन्होंने तुमसे बात की? हमारे विषय में कुछ पूछा उन्होंने? मोती हमें जवाब दो, कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे, बोलो। क्या बताएं हम जोधा, ना ही मरियम मकानी ने आपके विषय में कुछ पूछा, ना ही उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार आया है। उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती हमसे, और उस पर उन्होंने शहंशाह के आने तक कुछ भी न खाने पीने का हट कर लिया है। ये तो ठीक नहीं है, हमें अम्मी जान से बात करनी होगी। कहाँ जा रही हैं आप? अम्मी जान से बात करने? आपको क्या लगता है इससे कोई लाभ होगा? क्या वो आपकी सुनेंगी? नहीं ना, बल्कि वहाँ जाके आप स्वयं को कष्ट देंगी, साथ ही साथ उन्हें भी। जीवन में पहली बार इतना असहाय अनुभव कर रहे हैं हम। ना ही तो अम्मी जान को ऐसी स्थिति में देख सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं मोती। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अम्मी जान, चली जाओ यहाँ से चौथा। बिल्कुल हमारी बच्ची, अल्लाह आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। मैं भी सब यही कह रहे हैं कि दादी जान की हालत आपकी वजह से हुई है, ये गलत है ना मम्मी जान? मत सोई अम्मी जान, कोई कुछ भी कहे हमें पूरा यकीन है, आपने कुछ नहीं किया है। आप तो उनकी बेटी है ना, जैसे हम आपकी बेटी है, तो आप उनकी दर्द कैसे पूरा करोगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा हमारी बच्ची, कोई भी बेटी अपनी माँ को तकलीफ नहीं दे सकती है ना। नदफ का शाह मुकल तुर्क और शबगा के सुल्तान किरमान को जलालुद्दीन ने शिकस्त दे दी है और उन्होंने जलाल की रहनुमाई कबूल कर ली है। क्या हमारे 8 साथियों में से 7 या तो जलालुद्दीन के हाथों शिकस्त खा चुके हैं या उन्होंने उसकी रहनुमाई कबूल कर ली है? हमारी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हुजूर, एक और बुरी खबर है, अजमेर शरीफ से शेख दानियाल मक्का के शरीफ को मनाने में लगे हुए हैं कि शहंशाह जलाल की नाजायज औलाद के खिलाफ और आपके फरमान के खिलाफ वो फरमान जारी करें और मुगल सल्तनत के लोगों को हज और उम्रा की इजाजत दें। या अल्लाह, हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। शाहे ईरान का इकबाल बुलंद हो हुजूर, कोहगर के हुक्मरान कुर्ब खान आपसे मिलने आए हैं। उन्हें बाइज्जत यहाँ लेकर आया जाए। शाहे ईरान में कोहगर का हुक्मरान कुर्ब खान, सलाम कबूल हो। खुश आमदीद। आपको पता है हमने आपको यहाँ क्यों तलब किया है? बेशक शाहे ईरान, हमें शहंशाह जलाल को शिकस्त देनी है। बड़े किस्से सुने हैं उसकी बहादुरी के, उसे शिकस्त देना हमारे लिए फक्र की बात होगी। किस्से तो हमने आपकी बहादुरी के भी बहुत सुने हैं,
सुना है आपने आज तक कोई जंग नहीं हारी है। बेशक शाह ईरान, और इंशाल्लाह हम ये जंग भी जरूर फतेह करेंगे। आमीन। आपको हमारी तरफ से फौजी इमदाद भी खूब मिलेगी। फिर क्या बात है, इंशाल्लाह फिर शहंशाह हिंदुस्तान का सिर आपके कदमों में झुका होगा या कटा पड़ा होगा। आमीन आमीन। नुसरत बानो, बीवी शहीद रहमत अली। पालकी रोको, वहां पर क्या चल रहा है? आदाब मलिका हिंद। क्या चल रहा है यहाँ पे? जंग में शहीद सिपाहियों की बेवाओं को मुआवजा बांटा जा रहा है हुजूर। ठीक है, परंतु केवल मुआवजे से काम नहीं चलेगा, भविष्य में भी इन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। जी हुजूर। रहने दीजिए मलिका हिंद, अब हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आपकी वजह से मेरे खाविंद, बेटा और भाई सब शहीद हो गए। मुआवजा तो आप भर देंगी, लेकिन क्या उनकी जिंदगी लौटा सकती है? काश आपने मजहब बदल लिया होता तो आज यह हालत नहीं होती। क्या बकवास करती है, मलिका हिंद से ऐसे बात करने की कोशिश भी मत करना। इन्होंने हमेशा आवाम का साथ दिया है। हमारे खाविंद और बच्चे शहीद हो गए अल्लाह के नाम पर, सल्तनत के लिए। हमें फक्र है उनके बेवा होने पर। बेशक मलिका हिंद को मजहब बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन सब का ध्यान रखिएगा। आपकी वजह से मेरे खाविंद, बेटा और भाई सब शहीद हो गए। मुआवजा तो आप भर देंगी, लेकिन क्या उनकी जिंदगी लौटा सकती है? काश आपने मजहब बदल लिया होता तो आज यह हालत नहीं होती। क्या हुआ जोधा बेगम, क्या सोच रही हैं आप? अम्मी जान के अतिरिक्त और क्या सोचेंगे? अब उनका स्वास्थ्य कैसा है? तबीयत तो ठीक नहीं है उनकी। शहीद हुए सिपाहियों की खबर सुनकर और भी परेशान हो गई है। हमें तो डर लगने लगा है जोधा बेगम, कहीं यही परेशानी, यही दिमागी दबाव अम्मी जान की जान ना ले ले। जोधा बेगम, अगर कोई और बुरी खबर आई ना तो ना जाने उनका। रुके बेगम, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हम भी ये सब नहीं कहना चाहते जोधा बेगम, मगर यही हकीकत है, ये सब रोका जा सकता था। अगर आप अपना मजहब बदल लेती तो आखिर कोई कब तक कैसे भूखा रह सकता है? न जाने अब ये सदमा उनके दिल से कैसे दूर होगा। अब तो खुदा ही कोई रास्ता निकाल सकता है। खैर अब हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। ठीक है, अगर उनकी यही मर्जी है तो यही सही। शहंशाह, सुना है शाह ईरान ने कुरुब खान को अपनी फौज भी मदद में दी है, मगर सुना है कि वो काफी जालिम और खूंखार किस्म का लड़का है। आज तक एक भी शिकस्त नहीं खाई उसने, लेकिन अब शिकस्त खाएंगे। कल हमारी आखिरी जंग होगी ये तय है, और ये भी तय है, और इस जंग में फतेह हमारी होगी, और इस फतेह के साथ इन जंगों का सिलसिला खत्म होगा। लेकिन हम इंतजार करे बगैर ही उन पर हमला करेंगे। हम जानते हैं कि रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम एक और से नहीं बल्कि दो और से उन पर हमला करेंगे। इंशाअल्लाह फतेह हमारी ही होगी। इसलिए आज का ये जंग हम सबकी कल होने वाली फतेह के नाम। फतेह। देखो इन कीड़े मकोड़ों को,
चींटियों की तरह एक जगह इकट्ठे हुए हैं। साथियों, अल्लाह ताला और मगर सदस्य के नाम पर जो जंग हमने शुरू की है वो जंग हम खत्म होने वाली है। हमसे हमारी आजादी कोई नहीं छीन सकता और ना ही हम पर कोई तानाशाही कर सकता है। अल्लाह ताला ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस जंग में भी उनका हाथ हमारे सर पर है। वो हमारी हिफाजत करेंगे फतह के लिए। जलाल, ये जंग आसान नहीं थी। कई दिनों तक दोनों फौजों में घमासान होता रहा। आखिर रात जलाल अपनी फतह के करीब आ गया था और इस बार ये जंग उसके तलवार की धार में नहीं बल्कि उसके चरित्र की महानता ने जीती थी। शमशीर उठाओ, मार दो हमें, कर दो हमारा खून। अगर हमारे खून से तुम्हारा जिहाद पूरा होता है तो कर लो अपना जिहाद पूरा। शहंशाह बैसा, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। तो लो अब हमारे सीने में ये शमशीर भोंक दो। कसम है हमारी, कोई नहीं जान पाएगा कि तुमने हम पर पीछे से वार किया। कोई बीच में नहीं आएगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आप पर क्यों वार नहीं कर पा रहे हैं। पर यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी कौम के खिलाफ क्यों हो रहे हैं। आप हम पर इसलिए वार नहीं कर पाए क्योंकि जो अल्लाह हम सबके दिलों में बसता है उसे अल्लाह ने आपको ऐसा करने से रोका। और दूसरी बात कि हम कभी भी हमारे मसब हमारे इस्लाम के खिलाफ नहीं गए। हम आज भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं। अगर हमारे इस्लाम के खिलाफ कोई गया है तो वो है शाहिरान जो हम पर दबाव डाल रहे हैं कि जबरन एक राजवंशी औरत को मुसलमान बना दिया जाए, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि कभी भी किसी से जबरन इस्लाम कबूल करवाना गुनाह है। हम कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं गए। हम बस उस इंसान के खिलाफ जा रहे हैं जो हमारे इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। हम सच्चे मुसलमान हैं। अब भी हमारे चैन में यकीन रखते हैं, अब भी भाईचारे में यकीन रखते हैं। इसलिए सच्चा मुसलमान होने के नाते आपकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। वाकई में हम गलत थे। अनजाने में अपने ही मजहब के खिलाफ जा रहे थे हम। शुक्र है खुदा का कि आज हमें शिकस्त मिली और हम जान पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। आपने हमें गुनाह अजीम से बचा लिया। अब हम अपने दिल से आपकी तरफ हैं। और सल्तनत आपकी हुई। हमें आपकी हुकूमत आपकी सल्तनत कुछ नहीं चाहिए। हम बस
हम मजहब भाई चाहते हैं। आज हम सब फतेह आप हैं, लेकिन आप सबके साथ के बगैर मुमकिन नहीं हो पाता। ये फतेह जितनी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की है, उतनी ही आप सबकी भी है। मुगल सल्तनत जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, शहंशाह हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेख मुरादानी बेटा हमारे पास आए। आज का जश्न आप तीनों के नाम, आप तीनों ने जिस बहादुरी और एक एक मिसाल काम की है, हमारी दरख्वास्त होगी आप सबसे कि जिंदगी भर उस मिसाल को कायम रखिएगा। आप तीनों सिपाहियों की तरह नहीं बल्कि भाइयों की तरह, एक कुंबे की तरह जंग में लड़े हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप सबने इस बात से एक सबक सीखा होगा कि जब तक आप तीनों साथ हैं, कोई हिम्मत नहीं करेगा आपकी ओर देखने की। इसी के साथ हम ऐलान करना चाहेंगे कि आगरा पहुंचते ही हम एक बहुत बड़ा जश्न करेंगे, और उस जश्न में हम शहजादे सलीम को शाहशाह का ओहदा देंगे। हमने आपसे वादा किया था हमारे बच्चे कि वो ओहदा आपका ही होगा, क्योंकि आप हमारे वलीहद थे, हैं और रहेंगे। अब खुश हैं आप? मैं बहुत नाज है आप पर कि तब तक आपने जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। बहुत खूब हमारे बच्चे, हम हमारे नवरत्नों के भी शुक्रगुजार हैं। हमारे नवरत्नों ने इस जंग में हमारा बहुत साथ दिया, ना सिर्फ मैदान जंग में बल्कि उन्होंने आगरा को भी बखूबी संभाला, और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो मुगल सल्तनत के नवरत्न कहलाने के लायक क्यों है। अब हम चाहते हैं कि आप शायरान का एक पैगाम भेजें, उसमें लिखा जाए कि फौरन वो शाह तुर्की को दुनिया के खलीफा का ओहदा दें, और याद से उस पैगाम में ये जरूर लिख दीजिएगा कि उन्होंने हमारे हमारे वालिद साहब और हमारे दादा जान की जो मदद की है, उन तमाम बातों के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी वजह से हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम उनकी सल्तनत पर कोई कब्जा नहीं करेंगे, और ना ही उनसे उनकी बादशाहत छीनेंगे, और ना ही कोई दखलंदाजी करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने मुगल सल्तनत के अंदरूनी मामलात में जरा सा भी दखल दिया, तो फिर हमें मजबूर है उन्हें गिरफ्तार करना होगा और हमारे कब्जे में लेना होगा। ये बात जरूर लिखवाइएगा। जी शाह, हम चाहते हैं कि हमारे तीनों शहजादे राजा मानसिंह के साथ ईरान के आसपास के इलाकों में जाएं और वहां जाकर सूबेदार तैनात करें, और वहां मामलात को सुलझाने में उनकी मदद करें। हम फजल साहब और खाने खाना आगरा के लिए रुखसती लेते हैं। बिस्मिल्लाह की जाइए। मुबारक हो शाहशाह, कुतुब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और खुदा का शुक्र है कि ये जंग जल्दी खत्म हो गई। आप अपनी अम्मी जान को जिंदा नहीं पाएंगे, तब क्या जवाब देंगी आप उस शहंशाह को? आपका अहम, आपकी इज्जत क्या आपके लिए भाभी जान की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? हमें एक बात बता देते हैं आपको चौथा देगा कि भाभी जान आपसे ज्यादा जिद्दी हैं। अगर आप उनकी जिंदगी की सलामती चाहती हैं, तो आपको ही अपनी जिद छोड़नी होगी। भाभी जान तो अपनी जिद छोड़ने से रही। किस धर्म संकट में डाल दिया है आपने हमें काना? क्या करें अब हम? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या ना करें। हमारी सहायता करो काना, सहायता करो। हमें नहीं पूछेंगे आप सर। हुजूर, ये तो भट्टी में खींची हुई कच्ची शराब है। तो क्या हो गया, इसमें छोंकने वाली क्या बात है? जब आप लोग पी सकते हैं तो हम भी पी सकते हैं, जब मैदान जंग में हम सब लोग एक साथ लड़ सकते हैं तो एक साथ जाम क्यों नहीं पी सकते? जाम दिया जाए हमें। हम भी जरा चक्कर बताते हैं कि कैसा है। मैं
इतनी बुरी भी नहीं है। तो हम सब लोग अपने घर जाने की खबर से खुश हैं? जी शहंशाह, जब मैं जंग पर आया तो बीवी हमला थी, अब तक तो बच्चा भी हो गया होगा। दिल करता है कि पंख लगाकर उड़ जाऊं और अपने बच्चे को बाहों में भर लूं। भाई मुबारक, हम आपको बस यही सलाह देंगे कि जब आप अपने घर जाएं ना, तो अपने बीवी बच्चों को अपने बाहों से लगा लेना, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि वो किस कदर तकलीफों से गुजरी है आपको ये खुशी देने के लिए। और मैं तो यही सलाह होगी आप सबके लिए कि जब आप सब लोग अपने घर पहुंचे तो अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने वालिद साहब, अपनी अम्मी जान, सबको गले से लगा। लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि हमारी इस फतेह के जश्न का आप सब लोग मजा लें। आदाब हुजूर। आदाब शहंशाह। क्या हुआ इतनी रात गायब दोनों यहाँ? आपके आराम में खलल डालने के लिए माफी चाहते हैं हुजूर, मगर कल आगरा रवानगी के लिए आपसे एक जरूरी मसलहत करनी थी। तो फिर बताएं हमें कि हम कब तक आगरा पहुँच सकते हैं? तकरीबन 20 से 25 दिन। कोई तो रास्ता निकालिए बिलफजल साहब। एक रास्ता है शहंशाह, जिससे हम थोड़ा कम वक्त में आगरा पहुँच सकते हैं। तो फिर हम उस रास्ते से क्यों नहीं जा रहे? मगर एक मुश्किल है शहंशाह। कैसे मुश्किल? इस बारे में आपको एक गांव वाले बताएंगे, आइए। बादशाह की शान में आदाब। दरअसल हुजूर, वो छोटा रास्ता तो है लेकिन एक बहुत ही बियाबान भयानक जंगल से होकर गुजरता है और उस जंगल का नाम है काला वन। ये काला वन बहुत ही खतरनाक और बदनाम शुदा है हुजूर। वो क्यों? बहुत साल पहले की बात है कि एक राजा करीब अपने 7,000 सैनिकों के साथ उस जंगल के भीतर से गुजरा था। वो राजा और उसके 7,000 सिपाही जंगल के अंदर तो चले गए लेकिन बाहर नहीं निकले, ना राजा ना उसके 7,000 सिपाहियों में से एक भी सिपाही। तब से लोग उस इलाके से, उस जंगल से बेहद घबराते हैं हुजूर। वहाँ गैर दुनियावी और काला जादू करने वाले लोगों का वहाँ पर डेरा है। आपकी कहानी में बहुत अच्छी लगी लेकिन माफ कीजिएगा, हम ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते हैं। हम शहंशाह हैं, अगर हम ही डर जाएंगे तो फिर किस बात के शहंशाह? हुजूर, हम जिन चीजों को अपनी इन निगाहों से नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें वजूद में नहीं है। इनसे हमें बच के ही रहना चाहिए हुजूर। लिखा हुआ है कभी भी है आपकी? जी हुजूर। अब मिलते हैं उनसे। निकाह पड़ा है, बीवी साथ में है, तो रोज का मिलना जुलना तो लाजमी है हुजूर। तो फिर बरकरदार महीनों हो गए हैं हमें हमारी बीवी का चेहरा देखे हुए, और हमारे साथ साथ तमाम सिपाही भी अपने अपनों से मुलाकात करने के लिए तरस गए हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द हमारे घर आगरा वापस लौट जाएं। और रही बात आपके इन रूहानी ताकतों की, तो हम आपको बस इतना बताना चाहेंगे कि हम सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, सिर्फ उन्हीं से डरते हैं और सिर्फ उन्हीं की ताकत पर एतबार रखते हैं। और जब तक वो हैं, ये तमाम बातें जो आप बता रहे हैं ना, ये वजूद में नहीं होंगी। हम उसी रास्ते से जाएंगे। ठीक है हुजूर, अगर आप उसी रास्ते से जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, लेकिन बस सिर्फ 3 बातों का एहतराम रखिए। पहली बात, उस रास्ते से गुजरते वक्त अगर पीछे से कोई आवाज दे तो मुड़िएगा नहीं, पीछे देखिएगा नहीं हुजूर। दूसरी बात, अगर कोई मदद के लिए आवाज लगाए भी तो उससे अल्लाह के 4 नाम जरूर बुलवाइएगा। और तीसरी बात, अगर आप किसी की मदद करते भी हैं तो उसके आगे भूल के मत जाइएगा, उसके पीछे ही रहिएगा। इन तमाम बातों पर गौर फरमाएंगे। अब आप जा सकते हैं। जी हुजूर। खुदा हाफिज हुजूर। अल्लाह हाफिज। Thank you.
उसी जंगल के बारे में वो गांव वाला कह रहा था जी। आइए चलिए। अचानक इतना अंधेरा कैसे हो गया? अरे इतना घना जंगल है और ऊपर से सूरज की रोशनी भी तो नहीं आती ना अंदर। अचानक सर्दी भी बढ़ गई ना। अब जब सूरज की रोशनी नहीं आती अंदर तो सर्दी तो बढ़ेगी ना। शाबाश हमारे बच्चे आगे बढ़ो। चलो 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 शाबाश आगे जाओ। चलो क्या हुआ? चलो आगे बढ़ो। चलो वास्ता और जब तक ये जंग नहीं रुकती हमारे ख्वाब खा में कदम मत रखना। ठीक है अम्मी जान, आपको वचन देते हैं जब तक आपका कहा पूरा नहीं कर देते अपना चेहरा तक आपको नहीं दिखाई। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।